पीढ़ी को नर्क में पहुंचाने वाला अपराधी पकड़ाया। नशा मुक्त अभियान के तहत पुलिस ने 77 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को पकड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद की पुलिस ने बड़ी कार्यवाही। मामला थाना इच्छावर का है, जहां की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र में नशे का अवैध व्यापार करने वाले माफिया को पकड़ा है। सीहोर एसपी श्री शिशेंद्र चौहान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इच्छावर के ग्राम सेवानिया पठार में माफिया द्वारा गांजे का अवैध परिवहन किया जा रहा है, जिस पर सीहोर एसपी ने 4 पुलिस टीमों का गठन कर ग्राम सेवानिया पठार में घेराबंदी कर एक मैजिक वाहन में 4 बोरी गांजा सहित एक व्यक्ति आशाराम पिता बलुराम बरेला को 77 किलो गांजा और एक मैजिक वाहन में 4 बोरियों से भरे गांजे के साथ पकड़ा है। बताया जाता है कि गांजा मैजिक वाहन में ही रखकर सप्लाई करता था। इच्छावर पुलिस को अभी इसमें शामिल 2 आरोपी आताराम के पुत्र प्रताप एवं उसका एक साथी आष्टा निवासी धर्मेंद्र मेवाड़ा की तलाश जारी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश के समस्त कलेक्टर एसपी आईजी कमिश्नर सहित सभी मुख्य सचिवों को खुले शब्दों में निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में लाइन ऑर्डर कायम करो और भूमाफिया रेत माफिया गुंडे बदमाश नशे के कारोबारी युवा पीढ़ियों को नर्क में धकेलने वाले सभी माफियाओं को पकड़कर जेल में डालो। ये मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सीहोर पुलिस हरकत में आई और आज इच्छावर से 77 किलो गांजा पकड़ने में सफलता प्राप्त की। रेत माफिया की बात कही थी मैंने, ड्रग्स और अन्य अवैध नशा के सौदागर, चाहे वो मंदसौर नीमच के हों या इधर के हों, अलग लंबे समय से इस तरह के माफिया आज काम करते चले आ रहे हैं, उनको क्रश करना है। बिल्कुल जनता की संपत्तियां हड़पने वाले बड़े अवैध कब्जाधारी, गरीबों की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो गुना जैसी घटना की पुनरावृत्ति हो जाए। मैं साफ कर रहा हूं, किसी गरीब पे हाथ नहीं डालना है, बरसात है उनका तो हमें साथ देना है, आम जन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है, लेकिन जो बड़े माफिया है, अवैध कब्जाधारी है, सरकारी संपत्ति हड़पने वाले हैं और नंबर 2 का काला कारोबार करके अपना साम्राज्य खड़े करने वाले हैं, ऐसे किसी को नहीं छोड़ना है। नहीं तो हम छोटी मोटी कार्रवाई कर लेते हैं, हर किसी गरीब को पकड़ लेते हैं, उसकी झोपड़ियां तोड़ देते हैं। ये निर्देश इसके लिए नहीं है, बड़े सफेदपोश अपराधियों को नहीं छोड़ना है। सोसाइटीज में प्लाट हड़प लिए, गरीब मारा मारा फिर रहा है। पहले भी एक बार हमने ये इस तरह के माफियात के खिलाफ जो सहकारिता के अभियान चलाया था, अब फिर उनके खिलाफ अभियान चला के न्याय दिलवाना है। अनैतिक धंधा करने वाले जैसी भोपाल में बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, मैं भोपाल की पुलिस को भी और इंदौर की को भी बधाई देता हूं, बहुत कुछ बहुत अच्छी कार्रवाइयां हुई है। इंदौर में भी जो कुछ हुआ है वो बहुत सबक सिखाने वाला अपराधियों को, और भोपाल में भी जो हुआ है बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने वाले, और मैं सभी जिलों के पुलिस अधिकारी बैठे हैं, यहां CS DGP बैठे हैं, इस तरह के छुपे हुए जितने लोग हैं उनको बेनकाब करके उनको पकड़ना है और उनको सजा दिलवाना है, छोड़ना नहीं है। ये तो पकड़ में आ गया भोपाल वाला, ऐसे हो सकता और भी हो जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं, देह का व्यापार, बेटियों के साथ छेड़छाड़, कई बार बेटी बेचने की घटना हो जाती है, उनको पहचाने।